दोस्तों, हम अपने चेहरे को चमकाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उसके ठीक नीचे अपनी काली गर्दन को गोरा बनाने के लिए कुछ भी नहीं करते। आप खुद ही सोचिए, दूध सा गोरा चेहरा और उसके नीचे काली गर्दन, ये गलती हम में से ज्यादातर लोग करते हैं। हमारी गर्दन को भी उतने ही देखभाल की जरूरत होती है जितनी हमारे चेहरे को। इस पर भी पोल्यूशन और धूप का वही असर होता है जो हमारे चेहरे पर पड़ता है। आमतौर पर हम पूरे दिन में एक ही बार अपनी गर्दन को साफ करते हैं। हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ नहाते समय ही गर्दन को पानी से धोते हैं, ऐसे में नेक एरिया काला हो जाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं काली गर्दन को गोरा बनाने के कुछ घरेलू और आसान उपाय। जैसे नंबर एक, ओटमील का स्क्रब। ओटमील लेकर उसे अच्छी तरह से पीस लें, लेकिन उसे थोड़ा रफ ही रहने दें। इसमें 2 चम्मच टमाटर का जूस और 1 चम्मच शहद मिलाएं। इस पेस्ट से हफ्ते में 2 बार गर्दन की सफाई करें। ऐसा करते रहने से आपको इसका रिजल्ट कुछ ही दिनों में मिल जाएगा। उपाय नंबर दो, नींबू। नींबू में विटामिन सी पाया जाता है, ये एक नेचुरल ब्लीच है। नहाने से पहले नींबू को गले पर हल्के हाथों से रगड़े। दोस्तों, ध्यान रहे, ये काम आपने रोज नहीं करना है, सप्ताह में 2 से 3 बार नींबू का इस्तेमाल करना अच्छा होता है। नंबर 3, नींबू के साथ शहद भी है अच्छा उपाय। नींबू और शहद का एक पैक बना ले। इस पैक को गर्दन पर लगाकर कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ दें। जब नहाने जाएं तो इसे अच्छी तरह से साफ कर ले। इससे बारीक रेखाओं वाली प्रॉब्लम को भी दूर किया जा सकता है। उपाय नंबर 4, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा भी नींबू की तरह एक नेचुरल ब्लीच है। 2 चम्मच बेकिंग पाउडर ले, इसमें पानी मिलाकर एक सेमी लिक्विड घोल बना ले। इसे गर्दन पर लगाकर कुछ देर के लिए छोड़ दे। गर्दन का कालापन कुछ बार के इस्तेमाल से ही दूर हो जाएगा। नंबर 6, कच्चा पपीता। कच्चा पपीता काटकर पीस ले, लेकिन बहुत बारीक नहीं। अब इसमें गुलाब जल और 1 चम्मच दही मिलाकर इस मिक्सचर को तैयार कर ले। इसे गर्दन पर लगाकर कुछ देर के लिए सूखने के लिए छोड़ दें। सप्ताह में 1 बार इस उपाय को करने से आपको बहुत फायदा मिलेगा। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।